हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एक और लेडीज टेलर में। आज हम बनाएंगे ब्लाउज की पतली और बेहतरीन पाइपिंग बनाने का सबसे आसान तरीका। हमारी चैनल को आज 15 दिन हो चुके हैं, 70 लोग हमारी चैनल से जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। 15 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और आगे भी डालते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज पाइपिंग कैसे बनाते हैं। तो यहां से हमें पूरा उरेब कटिंग करना है पाइपिंग के लिए। आप अगर ऐसे भी काट लेंगे तो पाइपिंग अच्छी नहीं बनेगी, पूरा उरेब कटिंग करना है। जैसे मैं इसको काटता हूं, आप देख लीजिए। पूरा रबर की तरह हो जाएगा। तो ये हमने काट लिया, अब इसको जोड़ देंगे। तो ये पाइपिंग बनाने के लिए जो हम लगाएंगे उसको ऐसे नहीं लगाना है, बल्कि इस तरह से लगाना है। तो ऐसे काट लेना है, इसको ऐसे काट लेंगे, फिर ऐसे जोड़ देंगे। ये सीधा भाग है, ये भी सीधा भाग है। इसको हम दोनों साइड ऐसे इसको यहां से मोड़ देंगे ऐसे। अब इसको काट लेंगे,
तो पाइपिंग हम काट चुके हैं, तो ये हो गई तैयार पाइपिंग की पट्टी। इसको ज्यादा चौड़ी भी नहीं करनी है, इसको हमने ये माप लिया आधा इंच रखना है। अब इसको ब्लाउज पे लगाएंगे। अभी लगाते समय ये ख्याल रखना है, इसको ढीला छोड़ना है और इसको टाइट रखना है। ठीक है, ऐसे ये जो नीचे ब्लाउज का कपड़ा है इसको ढीला रखना है, पाइपिंग का कपड़ा हमें टाइट रखना है। पाइपिंग को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है, थोड़ा खींच के लगाना है। तो ये पट्टी हमने लगा दी। अब सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सिलाई लगाते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे तीन सिलाई लगाएंगे तो ये बेहतरीन दिखेगी, बैठेगी अच्छी तरह से, ये बेल्ट का काम करेगी। जो सिलाई हमने लगाई इसके ऊपर ही दूसरी, सिलाई बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए जो पहली लगाई है हमने। ये दो सिलाई हमने लगा दी, एक और लगा देंगे। तीन सिलाई अगर एक साथ होगी तो एक धागे की तरह बन जाएगा।
तो ये हो गया तैयार, इसको ऐसे काट लेंगे थोड़ा। अब यहां से इसे मोड़ के इसे तो ये बन गई पतली पाइपिंग तैयार। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।